मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में हम एक बहुत ही भयानक महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोदी केयर के कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्टों का यूज करके हम इस महामारी से, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं, इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हम यूज करें मोदी केयर के जो हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अब हम सुबह उठते हैं तो हमको एलोवेरा जूस यूज करना है और आंवला जूस यूज करना है। एलोवेरा जो है 50 ml यूज करना है और आंवला जूस जो है 30 ml यूज करना है। और दोस्तों, अब इसको यूज कैसे करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा कोसा गर्म पानी कर लेना है और गर्म पानी के अंदर हमको इसका मिश्रण बना के हमको सिप सिप करके इसको पीना है, धीरे धीरे करके पीना है। उसके बाद जब, और दोस्तों ये जो मिश्रण है हमको खाली पेट पीना है, नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के 1 घंटा पहले हमको इसको यूज करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जब 10 से 15 मिनट के बाद हमको इंटेलेक्टे यूज करना है। इंटेलेक्टे की जो है दोस्तों, 1 कैप्सूल हमको जो है इस मिश्रण को पीने के 1 कैप्सूल हमको बाद में पी लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों प्रोडक्ट क्या करते हैं, इन तीनों प्रोडक्टों के अंदर क्या है, विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा मिलता है। तो हमारे, और कहा जाता है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए 0.2 ग्राम जो है हमको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको इसके अंदर जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। और उसके बाद हमको कौन क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमको लमसम आधे घंटे के बाद हमको जो है नाश्ता करना है। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों, नाश्ते में जो है फल फ्रूट खाइए, पौष्टिक आहार खाइए। अब दोस्तों, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हमको टर्मरिक यूज करना है। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में भी जो है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए, इनरी जो इन्फेक्शन होते हैं उनको दूर करने के लिए जो है हल्दी का यूज किया जाता था। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद 1 कैप्सूल जो हमको टर्मरिक की यूज करनी है। और उसके बाद दोस्तों हमको जो है गार्लिक पल यूज करना है। लहसुन दोस्तों कहा जाता है कि खून को पतला करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए गार्लिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उसके बाद हमको 1 कैप्सूल, खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल गार्लिक की भी लेनी है। और उसके बाद जो हमको एक तुलसी यूज करनी है। अब तुलसी दोस्तों, आपको पता है कि तुलसी जो है हमारे सर्दी खांसी इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इन सब की 1-1 कैप्सूल जो है ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है। ब्रेकफास्ट के बाद टर्मरिक की 1 कैप्सूल, गार्लिक पल की 1 कैप्सूल और तुलसी की 1 कैप्सूल, इन तीनों को जो है ब्रेकफास्ट के बाद आपको 1-1 कैप्सूल लेना। अब दोस्तों, ये मिश्रण क्या करता है, ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो हमें कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मोदी केयर के आप ये सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने मोदी केयरियन भाई में, अपने जान पहचान में शेयर करिए, ताकि वो भी जो है इन प्रोडक्ट को यूज करके अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कर सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोदी केयर में आने वाले नए अपडेटों की जानकारी, प्रोडक्टों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।